कितने लोगों ने इस बिजनेस के बारे में ये कम से कम अपने आप को समझा रखा है, क्योंकि ये बिजनेस मैं मानता हूं कि दूसरों को समझाने से ज्यादा ना खुद को समझाने का है एक्चुअली। कितने लोगों को ये महसूस हो गई ये बात? कई लोग जब हमको पहली बार देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे आप भी वही काम कर रहे हो जो दूसरों को समझाते हैं, है ना। और हमको लगता है यार हम तो उस काम में हैं जिसमें कि हम दूसरों को समझाते हैं, लेकिन थोड़े दिन काम करने के बाद, साल दो साल तीन साल काम करने के बाद, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की तकलीफें परेशानियां आपके पास आती हैं। तो दो तीन साल जैसे ही हम लोग काम करना चालू करते हैं और इस बिजनेस में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की तकलीफें हमारे को आती हैं, उन तकलीफों में हमको ये समझ में आ जाता है कि बेटा आप फॉलो अप किसी और का नहीं करना, सबसे ज़्यादा फॉलो अप खुद का करना है। सबसे ज़्यादा फॉलो अप किसका करना होता है? खुद का। सबसे ज़्यादा समझाना भी यदि किसी को होता है तो किसको समझाना होता है? खुद को। दूसरों से ज़्यादा खुद को समझाने के बिजनेस में हैं हम लोग। और साथियों, दूसरा माने ना माने, दूसरा हमारे साथ चले ना चले, या दूसरा लंबा साथ दे ना दे, लेकिन कितने लोग खुद के दम पर ये बोल सकते हैं कि मैं तो अपना साथ इस धंधे में लगभग 10 साल तो दूंगा यार। मैं किससे मांग रहा हूं? दूसरे से नहीं मांग रहा, क्योंकि दूसरे की गारंटी नहीं है। किसके साथ की ज्यादा जरूरत है? खुद के साथ की। और खुद के साथ की जरूरत में क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं? नंबर वन, जब भी आप नेगेटिव होगे तो आप अपने आप को पक्का कर लो कि बेटा सचिन विश्वास ऐसा आदमी है, या विशाल गुप्ता ऐसा आदमी है, या केसी डोंडियार साहब ऐसे आदमी है, या राजेश निनामा जी ऐसे आदमी है जिनको नेगेटिव होने का धर्म ही नहीं है, मतलब उनका काम ही नहीं है नेगेटिव होना। मेरे को याद नहीं आता कि मैं पिछले 18 साल में कभी भी इस बिजनेस से, अपने आप से, या किसी और बात से नेगेटिव हुआ। मैं तब से लेके अब तक पॉजिटिव हूं। बहुत सारे लफड़े, अलग अलग तरीके की तकलीफें परेशानी आती हैं, लेकिन बिजनेसमैन की परिभाषा ही वही है। क्या परिभाषा है? नित नई समस्याओं से डेली जूझने को व्यापार कहते हैं। नित नई समस्याओं से डेली जूझने को क्या कहते हैं? व्यापार। और आप में से कितने लोग बोलते हैं कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं यार, व्यापारी हैं? बताऊं कैसे? क्योंकि व्यापार जब होता है तब आपको अपने नाम पर GST लेना होता है। दुकान चलाओगे तो GST, कंपनी चलाओगे तो GST, फैक्ट्री चलाओगे तो GST। और इस बिजनेस में जैसे ही आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम कमाने लगते हो तो आपको अपने इंडिविजुअल नाम पर GST लेना पड़ता है। हम सब ने ले रखा है, समझ आ रहा है? तो कितने लोग बोलते हैं कि सर खुद को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ले सकता हूँ? अच्छा, खुद को समझाने के लिए सबसे ज्यादा समझने की नीयत होनी चाहिए कि नहीं? जैसे अगर मैं ठान लूं कि यार मैं किसी की मानूंगा नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत है जो मेरे को समझा दे? समझा नहीं सकती। और अगर मैं ये ठान लूं यार मैं तो मान जाऊंगा, तो मेरे को कोई भी समझाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं मान जाऊंगा? तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है साथियों कि आप में दो तरीके की चार्ज होने की एनर्जी जरूर होनी चाहिए। एक, जब भी कोई आपको मोटिवेट करे तो तुरंत मोटिवेट हो जाओ। काफी सारे लोग इस एक्टिंग को करने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे को कर लो मोटिवेट, आप मुझे मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे। तो यार जिस आदमी को मोटिवेट कर रहे होते हैं और जो मोटिवेट नहीं हो रहा होता है वो तो मरा हुआ आदमी है, क्योंकि मरे हुए को मोटिवेट कर ही नहीं सकते। क्यों जी? कोई है हिंदुस्तान में जो मरे हुए को मोटिवेट कर दे? मरे हुए को आप कितना ही पूरा दिन भर कुछ भी भाषण दिलाते रहो, एक उंगली, एक नाखून, एक बाल भी उसका हिला नहीं सकते आप। और जो मोटिवेट नहीं होता ना मीटिंग्स में आके, लोगों से मिलके, अच्छी जगह जाके, और कई लोग अपने बारे में बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि देखना मेरे को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, तो मरा हुआ आदमी है भाई साहब तू। क्योंकि जिंदा होता तभी तो मोटिवेट होता। तो कितने लोग बोलते हैं यार मोटिवेट जब भी करेंगे तो मैं तो हो जाऊंगा पक्का, गारंटी है मेरी। मोटिवेट होने का मतलब, हम लोग कभी भी पहाड़ से कुदाने के लिए तो मोटिवेट करते नहीं है, या ट्रेन के नीचे आने के लिए तो मोटिवेट करते नहीं है। किसके लिए मोटिवेट करते हैं? अगर वास्तव में दम है तो टारगेट जीत के दिखा। अब कोई आदमी टारगेट जीतने पर मोटिवेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब मरा हुआ है, जान ही नहीं है। तो कितने लोग बोलते हैं ये क्वालिटी, नंबर वन क्वालिटी,
कि जब कोई मोटिवेट करे, यानी वो सांप ही क्या जो बीन सुनने के बाद फड़फड़ाए ना, समझ आ रहा है? उसको सांप बोल पाओगे? आप बीन बजा रहे हैं और पट्टे को कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों? एक आदमी लेटा हुआ है, उसको खूब थपकी दे रहे हैं, पट्टा उठ ही नहीं रहा, इसका मतलब निकल लिया। कई लोगों को दफनाने में 75 साल लगते हैं, एक्चुअली उनकी मौत तो 22 में हो रखी होती है। क्या है, क्या बोला जाता है कि नहीं, कई लोगों को दफनाने के 75 साल लगते हैं लेकिन उनकी मौत तो 22 में ही हो रखी होती है। लेकिन मैं जितने लोगों से मुखातिब हूं, 100, 125, 150 जो मेरे सामने बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो 100 साल तक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलने वाले हैं, और इन्होंने मेरी तरह जिम्मेदारी ली है कि सिर्फ ना अपने सारे सपने, अपने सारे सपने नहीं, चुन चुन के घर वालों के सारे सपने पूरे कराने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। किसकी कंधों पर है? मेरे कंधों पर। बीवी अगर कोई है आपके साथ, कितनों की बीवी है, और यदि उसकी कोई ख्वाहिश है और वो अधूरी रह गई तो तेरा आदमी होने का कोई मतलब बनता नहीं है। मां बाप यदि हैं और अगर उनकी कोई ख्वाहिश पूरी अधूरी रह गई तो फिर तेरा बेटा होने का मतलब कोई बनता नहीं है। भाई बहन यदि हैं और अगर उनके मन में कोई ख्वाहिश रह गई तो तेरा फिर भाई होने का या बहन होने का भी मतलब कोई बनता नहीं है। बोलो। और समाज में यदि आप रह रहे हो और समाज में आप भरपूर सहयोग नहीं कर रहे, यहां कैसे सहयोग कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे के। तो आप जितने सारे लोग हो, आप ना कि अपने परिवार का भला कर सकते हो, एक एक आदमी के अपने सपने चुन चुन के पूरा कर सकते हो, और अपने घर वालों के नाम पर दो काम आप कर सकते हो। यदि आप इस बिजनेस में सफल ना हुए किसी कारणवश, खुद की जिम्मेदारी के कारण, तो आप घर वालों के नाम पर धब्बा बन सकते हो, जो आपके बारे में कोई बोलना, कोई बताना, कोई समझना या समझाना पसंद नहीं करेगा। और या आप चाहो तो अपने घर वालों के नाम पर गौरव बन सकते हो हमारी तरह, जो आपके बारे में बोलना, बताना, समझाना और लोगों को बोलना आपके लिए मजबूरी हो जाए। कितने लोग बोलते हैं ये करके दिखाना चाहिए यार।